प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, चलिए आज आप अपनी हिंदी रीडर बुक जो है ओपन करिए, पेज नंबर 24, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है अश्वमेध का घोड़ा। तो कल आपने थोड़ा सा रीड किया था, चलिए अगला देखिए क्या था। अश्वमेध का घोड़ा यानी किसका घोड़ा था? अश्वमेध का घोड़ा। तो बच्चों, घोड़ा जो है आश्रम में प्रवेश करता है, वहाँ सीता के दोनों पुत्र उपस्थित होते रहते हैं, हाजिर रहते हैं, तो वे घोड़े को देखते हैं। तो बच्चों, वहाँ पे कुश जो है अपने भाई से कहता है, लव देखो कितना सुंदर घोड़ा आश्रम में आ गया है और इसे हम पकड़ें। तो कुश कहता है, इस घोड़े को छोड़ना मत, ये इधर ही आ रहा है। फिर कुश कहता है, मैं तो इसे पकड़ूंगा, इस पर सवार होकर हम दोनों भाई क्या करेंगे, आपस में वन में घूमेंगे। फिर लौ कहता है, कुछ इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है, इसके गले में एक पत्र लटक रहा है, यानी इसके गले में एक चिट्ठी लटक रही है। फिर बच्चों, तब तक सैनिक आता है, बोलता है, बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, ये घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र का है, यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर बच्चों, लौकुश दोनों एक साथ बोलते हैं, क्यों ना पकड़े, हमने तो पकड़ रखा है, देखते हैं तुम क्या करते हो, हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते हैं। तो बच्चों, सैनिक ने कहा, ऋषि पुत्रों, ये अश्वमेध का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते हैं। तब लौकुश ने क्या कहा, बच्चों तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद सैनिक कहता, आहा कितना तीक्ष्ण बाण है, तीक्ष्ण यानी कितना तेज बाण है, चलो भाग चलें। तो बच्चों, जब सैनिक भाग जाता है तो लौकुश दोनों कहते हैं, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। उसके बाद बच्चों क्या होता है, शत्रुघ्न आते हैं। तो शत्रुघ्न कह रहे हैं, ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। फिर बच्चों, तब लौ ने क्या किया, तीर चला दिया। वो तीर किसको लगा, शत्रुघ्न के अंगरक्षक को, वो भागा शत्रुघ्न का घोड़ा, क्या हुआ, और वो शत्रुघ्न का घोड़ा भागा। फिर कुश ने क्या किया, अब ये घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। लौकुश ने कहा कि हम अब ये घोड़ा क्या करेंगे, अपनी माँ को दिखाएंगे। तब तक बच्चों, राम आते हैं। फिर राम ने कहा, ऋषि पुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, अब ये घोड़ा छोड़ दो। तो लौकुश जो है कहते हैं, महाराज आपके चरणों में लौकुश का प्रणाम, हम अभी युद्ध में हारे नहीं हैं, अतः घोड़ा नहीं देंगे। तो बच्चों, लौकुश क्या कहते हैं राम जी से, कहते हैं कि हम अभी युद्ध में हारे नहीं हैं, हम अभी लड़ाई में हारे नहीं हैं, और हम ये घोड़ा नहीं देंगे। तब राम ने क्या कहा बच्चों, कहा कि नहीं ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरा कहना मानकर घोड़ा लौटा दो। तब बच्चों, लौकुश नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं महाराज, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं होगा, धनुष उठाइए। हाँ बच्चों, तो लौकुश मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और राम जी से कहते हैं कि हम ये घोड़ा बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई किए वापस नहीं करेंगे, और धनुष उठाइए। तब तक बच्चों, सीता जी आ जाती हैं, कहती हैं, नहीं नहीं लौकुश, नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। हाँ बच्चों, तब लौकुश कहते हैं कि ये क्या कह रही हो माँ। फिर सीता जी कहती हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ, अयोध्यापति रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। तब राम कहते हैं कि मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता, सीता सीता बोलते हैं दो बार और पूछते हैं कि ये तेजस्वी बालक मेरे पुत्र हैं, मैं इनका पिता हूँ। फिर लौकुश कहते हैं, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। राम कहते हैं, आओ मेरे सूरवीर पुत्रों, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हुआ। तो बच्चों, ये कहानी अश्वमेध का घोड़ा, यानी कि अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा, ये इसके बारे में ये कहानी बताई गई है। और
बच्चों बाकी हम आपको कल बताएंगे, कल हम आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे, तो कल आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और होमवर्क में नोट कीजिए, आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है, ठीक है। बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय।